हरिद्वार नगर निगम ने शहर में साफ सफाई और गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए हरिद्वार नगर निगम बॉलीवुड स्टार्स के पोस्टर्स का सहारा ले रहा है। इन बॉलीवुड सितारों के होर्डिंग्स शहर भर में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है और लोगों को स्वच्छता का संदेश देने के लिए ऐसे होर्डिंग्स का सहारा लिया गया है। ये इन सब चीज़ों के पीछे एक ही हेतु है कि जागरूकता लाना, और कोई भी विषय उस रूप से हम एट्रैक्ट, उसको पढ़ने के लिए लोग एट्रैक्ट हों तो उसका पीछे उनको उस पे लिखी हुई लाइनों को पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट में लाना कि गंदा करने से ज़्यादा ज़रूरी है गंदा होने से रोकना। सबसे ज़्यादा पॉइंट ये गंदा होने से रोकना। जो हम लापरवाही में कोई भी चीज कहीं पर भी फेंक देते हैं उसको व्यवस्थित जगह पर डालना। और अब बात करेंगे योग की। देश दुनिया में योग का डंका बजाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव को योग रत्न से नवाजे जाने की मांग उठने लगी है। हरिद्वार में गंगा घाट पर इकट्ठा हुए लोगों ने बाबा रामदेव को योग पुरुष की उपाधि दिए जाने की मांग की। इस मौके पर गंगा घाटों के किनारे बाबा रामदेव के पोस्टर्स भी लगाए गए। लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव ने योग का प्रचार प्रसार देश दुनिया में करके हरिद्वार और देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश दुनिया में लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। अठारह जून से लेकर 21 जून तक लगातार योग पर्व पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। आज हमने माँ गंगा के समीप भजन कीर्तन कर माँ गंगा से कामना की है कि माँ गंगा जो है रामदेव जी को दीर्घायु करें, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि रामदेव जी को योग राष्ट्रीय योग पुरुष की उपाधि से नवाजा जाए और उन्हें योग रत्न दिया जाए। इस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तराखंड का नाम, पूरे भारत का नाम, हरिद्वार का नाम पूरे विश्व में योग क्रांति के माध्यम से स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से एक हमारा धर्म बनता है कि हम उस ऐसी शख्सियत को और आगे बढ़ाएं। एजुकेशन हब देहरादून में अब छात्रों के लिए नए कोर्सेज शुरू करने की कवायद में श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी ने पहल कर दी है। यूनिवर्सिटी के नए सत्र में युवाओं के लिए अब पुराने कोर्सेज के साथ और भी ऑप्शंस मुहैया कराए जाएंगे। फिलहाल SGRR यूनिवर्सिटी में 60 से ज्यादा कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं, यानी अब नए कोर्सेज के जुड़ने के बाद छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे प्रदेश की शिक्षा स्तर में भी बदलाव आएगा, सुधार आएगा। आपको बता दें कि जल्द ही SGRR यूनिवर्सिटी में छात्रों को लॉ, होटल मैनेजमेंट और BAMS का कोर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये श्री गुरु रामदेव विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज हैं इस समय करीब 65 कोर्सेज चल रहे हैं, और आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर एंड उसके बाद बहुत सारे और कोर्सेज एक ही यूनिवर्सिटी के बैनर तले लाने की पूरी कोशिश है। स्टूडेंट्स को स्किल ओरिएंटेड बनाया जाए, उनके अंदर कोई स्किल्स डेवलप करी जाए और उनकी कॉम्पिटेंसीज इम्प्रूव करी जाए।